हाय एनीवी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज है ईद और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज अपना ईद का व्लॉग। और मैं बहुत सारी डिशेस बनाने वाली हूँ। मेरे कुछ पीजी फ्रेंड्स हैं जो कि आने वाले हैं, तो कुछ वेजिटेरियन है, मोस्टली सब नॉन वेजिटेरियन है, बट अभी नवरात्रि चल रहा है तो कुछ हैं जो नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो स्पेशली मैं उनके लिए बना रही हूँ वेज, जिसमें रहेगा बटर पनीर मसाला, साथ में रहेगा मटर और सोया पुलाव, पूरी और स्वीट में रहेगी खीर, मोजीतो और भी कुछ डिशेज़ हैं। और नॉनवेज वालों के लिए मैं बना रही हूँ बिरयानी, चिकन बिरयानी, साथ में रायता और स्वीट जिसमें है सेवई। तो ये सब बनाऊंगी और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, मतलब कि मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ तो मैं थर्ड फ्लोर में जा रही हूँ। वहाँ मेरी नेबर है जो मेरी हेल्प करने वाली है चॉप करने में। मैं कुकिंग तो कर लेती हूँ आराम से, बस मेरे को टाइम लगता है चॉपिंग करने में, जो कि जिंजर गार्लिक और अनियन का जो पेस्ट होता है ना, वो सब लगता है, तो वो मेरे को बनाना है, तो उसकी चॉपिंग के लिए वो मेरी हेल्प करेगी। तो मैं अपना सारा मटेरियल ऊपर ले जा रही हूँ, वो हेल्प करेगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए चलो। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पीस रहे हैं ये चाय अच्छी लगी। हम लोग पीस रहे हैं, पीस नहीं रहे, हम लोग बना रहे हैं अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक अनियन का पेस्ट, क्योंकि कल बनाना है बिरयानी। तो ये मेरी जो नेबर है वो मेरी हेल्प कर रही हैं। सो हाय ताहिरा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। कितना बज रहा है? रात को 2 बजे। रात को 2 बजे मेरी हेल्प कर रही है। हाय, कितनी अच्छी मेरी नेबर है। कौन ऐसे करता है रात को 2 बजे मेरे साथ हेल्प, और भी जिंजर गार्लिक अनियन कट करने में, जो कि बहुत फालतू काम है, पर ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो गया, थोड़ा सा बचा है। तो देखिए, मैंने यहाँ सारा चीज चॉपिंग कर लिया है और ग्राइंड भी कर लिया है। गार्लिक और जिंजर, नहीं सॉरी, जिंजर गार्लिक अनियन, और ये मिंट और कोरिएंडर का है चॉप किया हुआ, और ये है अनियन जिसे मैं डीप फ्राई करूँगी वो गार्निशिंग के लिए। तो ये सारा मटेरियल रेडी है, अब मैं स्टार्ट करूँगी कुकिंग। मैं चिकन का वेट कर रही हूँ, चिकन आएगा उसके बाद फिर मैं ये सारा ऐड करूँगी। तब तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी और साथ में मैं इधर बना लूँगी सिवाई। तो अब हम चलिए चलते हैं, अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करूंगी, तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए मेरी कुकिंग देखने के लिए। तो यहाँ मेरा स्टार्ट हो गया है बनना। यहाँ बिरयानी के लिए मैं अनियन फ्राई कर रही हूँ और इधर मेरी बन रही है सेवइयाँ। यहाँ मेरी सेवई बन रही है और इधर फ्राई हो रहा है अनियन। बहुत सारा काम है, पता नहीं होगा क्यों नहीं होगा, तो मैं ट्राई कर रही हूँ एकदम टाइम पे सब चीज़ हो जाए, तो आप मेरे साथ ब्लॉग भी बने रहेंगे। तो अभी मेरी पूरी बन गई है और ये जो ड्राई फ्रूट्स था ये भी हो गया है। अभी मैं अपने नेबर को दे के आऊँगी और उसकी मसाला, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी बटर पनीर मसाला। यहाँ मेरा बटर पनीर मसाला बन के एकदम रेडी है और ये पुलाव भी रेडी है। अब वेज की सारी डिश रेडी हो गई है, अब मैं स्टार्ट करूँगी नॉन वेज बनाना। और यहाँ मैं बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ, और बिरयानी की प्रिपरेशन यहाँ मैं बिल्कुल स्टार्ट कर दी हूँ। अब ऐसे डालूँगी और मेरा सब ऑलमोस्ट बन गया है, बस कुछ देर में मेरा सारा चीज़ रेडी हो जाएगा। सो हाय हनीबीज, फाइनली अब मैं रेडी हो गई हूँ बहुत सारी कुकिंग करने के बाद, अपना सारा काम करने के बाद। यस बेबी, ओके यू टेक। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और जो मेरे गेस्ट आने वाले थे, मेरी अक्का, पीजी अक्का और वो वाली अक्का, काफी सब आ गए। यहाँ मैंने बनाया है, ये है खीर सिवाई वाली, इसमें ड्राई फ्रूट डाल के बनाया है घी के साथ। और ये मैंने बनाया है बिरयानी। बिरयानी का पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, मैंने मतलब बहुत सारे लोगों का बनाया है तो पता नहीं कैसा बनाया है, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाले,
अब ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि बिरयानी कैसी बनी है। तो ये है बिरयानी और मैंने बनाया है, इधर है, ये है पुलाव, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है मैंने बताया था, तो अक्का लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो उन लोगों के लिए मैंने बनाया है। ये है सोयाबीन और मटर पुलाव, और ये मैंने बनाया है बटर पनीर मसाला जिसमें क्रीम नहीं है क्योंकि क्रीम खत्म हो गई थी, और ये बनाया है पूड़ी, और साथ में एक और आइटम है और वो है रायता। ये है मिंट और मिंट एंड कोरिएंडर एंड चिली का रायता। तो यहाँ हम लोग खा रहे खाना, बट अक्का और वो वाली अक्का और ये वाली अक्का नहीं आना चाहती है वीडियो में, तो मैं नहीं ले रही हूँ कि इतना को कोई दिक्कत नहीं है। हाय बेबी, ही इज माय बेबी, यू लाइक इट बेबी, यू लाइक इट द व्हाट इज दिस, चिकन एंड पनीर, यू लाइक इट चिकन एंड पनीर, ओके गुड बॉय, व्हाई यू डोंट वांट टू कम अक्का, यू केम, यू डोंट, you don't have issue na baby to come on camera, no you don't have issue, you're so cute baby, ha finish finish, you like it baby, what you're having, what you're having, what you're having baby, what you're having, you like it, how finishing is that, hey lulu come here, she have to go out for, so now we are having sweet, aur kaisa hai kitna na alert hai, how it is kitna super, you like it and you don't like sweeties, he is eating ice cream, preparing tea, hum logo ne khana wana kha liya hai, khana ho gaya aur akka ko bahut pasand aaya, dono akka ko pasand aaya, utna acha nahi bana tha but un logo ko pasand aaya, ab main banane wali hu tea akka ke liye, mere liye aur ye akka ke liye, wo akka ke liye, mere liye aur kitna, you want tea, आई मेड टी फॉर अका, मैंने चाय बनाया अका के लिए, अपने लिए और एक और अका के लिए, अका टेक बिग वन ना, व्हाट अका, अका नो आई विल नॉट टेक अका, डोंट वरी, ओके यू वांट कितना, बिग, तो अभी कितना को ऊपर जाना है और रित्वी को भी ऊपर जाना है, उन लोगों को खेलना है, किसके साथ, लुलू के साथ, लुलू बहुत ज़्यादा डर गया था, उसको वोमिटिंग हो गई, तो मैंने उसको ऊपर छोड़ के आ गई, आपने क्यों उतार दिया, अच्छा भला पहना था, बहुत गर्मी लग रही है, ओके यू आर प्लेइंग हियर ना, आई कैन गो डाउन, यू आर प्लेइंग हियर, नॉट कमिंग, ही विल, शी विल नॉट कम, शी इज स्केयर्ड फ्रॉम यू, just leave her like that, okay. don't try, see that one came, adhi kuda chhi todo, maybe she will friendly with you, no sorry he will, he will scratch you, don't try with him, okay, okay. you be calm, sit there, okay, otherwise they will beat you, scratch you whole body, understood, I'm going down, okay, mustafa okay lulu, he is friendly with there, she is teacher na, some student means children will get attracted also from teachers, that is teacher quality like that, to abhi hum pi rahe tea aur kitna tumko nahi pina tea, so akka log ab ja rahe hain, baby you are leaving, I will miss you baby, so they are going, miss you kitna, miss you kitna, see how she girl is doing, hi kitna, bye guys, he want toy, he want toy, he want toy, come I'm coming na to drop down na, come come you, I will carry, you are very happy baby, why you are happy, where is toy, that only, we are going to buy, actually we are making full to Ritvik because he is thinking I'm going with him to buy toy, but no I'm not going to buy toy, I'm going to drop Akka till down, there is no toy shop Ritvik, and here is no toy shop Ritvik, actually we can buy in HSR, okay come we'll buy in HSR, don't worry we'll buy in HSR, okay okay baby bye,
कम कम आई विल क्लोज आई विल क्लोज आई विल बाय आई विल बाय आई विल पक्का बाय बाय अका इज गोइंग आउच शिट यार इट्स ओके सी आई क्लीन टुडे इटसेल्फ दिस इज हैपनिंग ओके So Akka is going. Akka don't want to show her face, so I am taking only hand. Akka is going. I don't want to send her, but okay. Tomorrow we will go Tirupati with Akka. So bye Akka. Bye. Come, I will go down to drop. Bye. Take care. Oh, you came. It's okay, little bit. Bye Akka. Bye. Take care. We'll meet tomorrow. Bye. अक्का जा चुकी है और अब मैं भी जा रही हूँ और अब कुछ लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं तो मैं उन लोग के लिए खाना पैक करने वाली हूँ तो यहाँ मेरी एक ऑफिस के एचआर हैं जो कि आए मैं उनको इनवाइट की थी पर वो आ नहीं पाए तो वो बोले कि मेरे को पैक करके दे दो मैं जाकर अपनी वाइफ के साथ खाऊँगा क्योंकि उनको उनकी वाइफ को बहुत पसंद है और वो अक्सर उनकी मुस्लिम फ्रेंड उनके लिए लाते हैं पर इस बार कोई नहीं लाया तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस बार उनके लिए ये दे रही हूँ तो मैं नीचे जा रही हूँ सर को हैंड ओवर करना ये टिफिन बॉक्स तो चलिए चलते हैं तो ये है सर यू आर कमिंग ऑन माई ब्लॉग सर ओके थैंक यू सर फॉर कमिंग तो फाइनली अब जो कुछ लोग नहीं आ पाए वो लोगों को मैंने टिफिन पैक करके दे दिया और सिर्फ अक्का ही आ पाई थी और मैंने अपने नेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ठीक है मैं ज़्यादा बनाई थी ये किसी को कम मत हो क्योंकि कम होता वो मुझे पसंद नहीं भले बच जाए तो वो ठीक है लेकिन अगर कम होता तो फिर दिक्कत हो जाती और ये था आज का मेरा ईद का व्लॉग और मैं हर साल की तरह मतलब कुछ सालों से मैं अक्सर ईद अकेले ही मनाती हूँ पर घर में आदत है ना बचपन से घर वालों के साथ ईद मनाने की तो बहुत याद भी आए घर वाले ठीक है हर बार हमको हर चीज़ अपनी मर्जी मुताबिक नहीं मिलती है तो आप सबको भी ईद मुबारक हो और अब रमज़ान जा चुका है उसका भी दुख है ठीक है और ये था आज का मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ आप सबकी तरफ से मुझे ईदी चाहिए ईदी में अगर आप मुझे लाइक करें शेयर करें या सब्सक्राइब करें तो मैं उसको अपनी ईदी समझूंगी तो डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सी यू सून